वेलकम बैक माइ चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और स्टडी सेंटर पर दोस्तों अपनी वीडियो में बात करेंगे हल दोस्तों आपके जो झारखंड बोर्ड में पढ़ते हैं स्टूडेंट तो ठीक है झारखंड बोर्ड क्लास टेन में जो स्टूडेंट बोर्ड पढ़ते हैं उनके लिए वीडियो से है ठीक है आप लोग का फीस है केमिस्ट्री में कमजोर दोस्तों है ठीक है आपको समझ में कुछ भी सुनने आ रहा है तो चुपचाप बच्चे वीडियो को देखिए आप लोग ठीक है आप जो क्या करें आप लोग कॉपी पेन से निकाल लीजिए आप ठीक है अगर हम आपके एग्जाम में जो जो क्वेश्चन में दे रहा हूँ उससे आपका कम से कम तीस नंबर का इस एग्ज़ाम से कवर दोस्तों हो जाएगा एग्जाम में से ठीक है सेम टू सेम डेट टू क्वेश्चन आपके एग्जाम में से भिड़ेगा तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर उसे नहीं आएगा ठीक है तीस नंबर आपका हाथ में उसे रहेगा इसको वीडियो को देख लीजिए पूरा आप तो ठीक है तो आपसे रिक्वेस्ट करिए वीडियो को पूरा देखिए आप लोग का कॉपी पेन आपसे रिक्वेस्ट करो फिर से दोस्तों कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा ठीक है प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार घर पर स्ट्रीक कीजिएगा दोस्तों ठीक है समझेंगे देखिए चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए दोस्तों पहले इससे देखने पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों का चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए सबसे क्या करते बच्चे बेल बटन से प्रेस करें ठीक है कल मैं आपके लेकर आ रहा हूँ उससे साइंस जो विज्ञान के क्वेश्चन विज्ञान के मैं आपका बायोलॉजी क्वेश्चन हो ठीक है साइंस का ठीक है तो बायोलॉजी आपका क्वेश्चन जी विज्ञान उसके सारे क्वेश्चन से कल इंपॉर्टें सारे में लेकर आऊँगा ठीक है जो बच्चों आपका चार से पाँच नंबर वो भी रहेगा ठीक है तो बच्चों लगभग आपका पचास नंबर कल में कल से आज से दो वीडियो देख लीजिए उससे अगर आप तो पचास नंबर आपका हाथ में पूरा पूरी रहेगा सो ठीक है थी समझेगा ना पचास नंबर आपका कोई नहीं ले सकता समझे पचास नंबर आपका पक्का आपका हाथ में सो रहेगा तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यही बात समझा क्या चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर और ठीक है देखिए चलिए क्या बोला गया देखिए पहले क्वेश्चन में कि निकट दृष्टि दोष क्या है दोस्तों ठीक है निकट दृष्टि दोष क्या है इसके क्या कारण है इसका संशोधन किस प्रकार संभव है दोस्तों ठीक है संशोधन किस प्रकार संभव है ठीक बच्चों बच्चे इस क्वेश्चन को कॉपी नोट डॉप लिख लीजिए अब ठीक है देखिए चार नंबर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन तो आ जाएगा देख लिया अब लिखा हुआ है कि ने साइड में देखिए इसे देखिए नेक्स्ट क्या बोला है कि ऑक्सीजन के योग या हस के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्यवस्था कीजिए बच्चों ठीक है प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए दोस्तों ठीक है देखिए बच्चों इस तरह आपका इसी से क्वेश्चन आपका एग्जाम में चार नंबर से पूछेगा ठीक है बच्चों समझे गए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि समझिए बोला क्या कि निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र को लिखना है इसको रासायन सूत्र आपको लिखना है देखिए पहला क्वेश्चन ए नंबर के आपका है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है बच्चों बी नंबर आपका है कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है बच्चों सी नंबर आपका है हाइड्रोजन क्लोराइड बच्चों ठीक है डी नंबर आपका है कॉपर सल्फेट दोस्तों ठीक है बच्चे आपका चार प्रश्न सो रहेगा इस तरह से लिखने का सूत्र दोस्तों जो आपका चार नंबर एग्जाम में पक्का से पूछेगा बच्चों समझेगा चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिए सो कि दर्पण का दर्पण सूत्र व आवर्धन का सूत्र लिखे बच्चों ठीक है कोई चार पॉइंट जीरो सेंटीमीटर साइज का बीम किसी पंद्रह पॉइंट जीरो सेंटीमीटर फोकस दूरी के या उत्तर दर्पण से पच्चीस सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है पास पास तो ठीक है प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें करे ठीक है बच्चों देखिए आपका एग्जाम में से नंबर क्वेश्चन आपका आएगा ठीक है समझेगा नहीं चलो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए और क्या समझिए बोला क्या कि योम का नियम लिखे ठीक है और इसका प्रयोगित सत्यापन कर आपको सत्यापन भी इसको करना बच्चों ठीक है बच्चे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पाँच नंबर से पूछेगा ओम का नियम जो ठीक है तो बच्चों ओम का नियम जरूर आप आज कर लीजिएगा ठीक है तो इस क्वेश्चन को भी आप उच्च एग्जाम में आपको पाँच नंबर स्टॉप में मिल जाएगा ठीक है देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए क्या है समझिए बोला क्या कि पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 थ्री पार्श्व क्रम में संयोजित है दोस्तों ठीक है दर्शाइए कि उनका संतु संतुलित प्रतिरोध बच्चों क्या होगा देखो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपका रहेगा एग्जाम में ठीक है इसको आपको दर्शाना वहाँ आप पर है आपका ये भी क्वेश्चन आपका पांच नंबर एग्जाम से पक्का आपको मिलेगा चल चल तो इस क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सुनिए क्या समझिए बोला क्या कि धातु एवं धातु का में कोई पांच अंतर आपको लिखना है ठीक है धातु और धातु से तो कोई पांच आपको अंतर लिखना है जिससे आपको एग्जाम में पांच नंबर की मिलेगा इससे दोस्तों ठीक है पाए लिखिएगा तो पाए नंबर आपको पक्का मिल जाएगा ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या समझिए बोला क्या

पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं ठीक है बच्चों बीम का दर्पण से दूरी पर क्या होना चाहिए ठीक है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बच्चों रहेगा ठीक है इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का एक किरण आरेख बनाइए दोस्तों ठीक है बच्चे एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका चार नंबर से पूछ देगा ठीक है कोई दिक्कत आपको नहीं इसको भी कर लीजिए एग्जाम में ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी यूज है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझिए बोला क्या पाँच सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम तीस सेंटीमीटर वक्त के किसी उत्तल दर्पण के सामने ठीक है बच्चों बीस सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है बच्चों ठीक है प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक तथा साइज ज्ञात करें दोस्तों ठीक है बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन आपका चार नौ से पूछ देगा ठीक है दोस्तों देख चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप समझिए बोला क्या के निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित दोस्तों करना आपको ठीक है जो संतुलित करने के एग्जाम में से क्वेश्चन आपको पूछेगा ये चारों को तो कॉपी नोट डाउन कर लिए सिंपल सो ठीक है संतुलित करने बहुत आसान समझाएँ सबको मैं बच्चों समझ आपको संतुलित करने से आता तो क्या करें आप वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा आप लोग ठीक है तो आपका मैं मदद करके मुझे तत्पर करूँगा ठीक है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझा पूरा क्या कि कॉपर के लाल भूरे चूर्ण के चित्रण अनुसार गर्म किया गया इसमें ठीक है जिससे क्या किया उसमें कॉपर में उसको जल गर्म किया गया ठीक है जिसको आपका नाम सिर्फ लिखना सब देखिए यहाँ पर चौको लिखना है इसको तीनों को, आपको चारों को, चारों को चारों को नाम लिख देना ठीक बच्चों एग्जाम में इससे आपका मिल जाएगा चार से पाँच नंबर से भी जो आपका एग्जाम में उठ जाएगा ठीक है इस तरह क्वेश्चन को एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा ठीक है तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन क्या समझिए आगे कि बोला गया दृष्टि दोष किसे कहते हैं तो ठीक है तीन प्रकार के दृष्टि दोष का नाम सबको लिखना है ठीक है इसे दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है बच्चों ठीक है एग्जाम so, के अभी आपका चार नंबर एग्जाम में आपको पूछ देगा आप तो ठीक है इसको भी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है तो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझिए उसमें बोरा क्या कि दोस्तों क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया क्या बोलोगे देखिए समझिए बोरा क्या कि कार्बन के अत्यधिक औगिकों के निर्माण पर चार कारण आपको देना है ठीक है बच्चों इस क्वेश्चन को आप क्या करें रहे चार नंबर एग्जाम में भी है तो आपको पूछ देगा ठीक है तब चु आप याद रखिएगा चार नंबर को एग्जाम में मिल जाएगा ठीक है तो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझिए कि एल्काइन क्या है दोस्तों ठीक है इसका सामान्य सूत्र बच्चों को लिखना है सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा संरचना सूत्र को लिखना ठीक है जब एग्जाम आपका चार नोट सो मिल जाएगा आपका ठीक है इससे इसको आप जरूर नोट डाउन सो कर लीजिए कॉपी में दोस्तों तो की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझिए क्या कि गोलीय दर्पण को ध्रुव प्रधान अक्ष व अगर अंदर फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखी है ठीक है बच्चों तो जितना करते हैं सब लिखते हैं बच्चों एग्जाम में पाँच नोट इससे भी आपका एग्जाम में मिल जाएगा ठीक है समझेंगे ना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझिए बोरा क्या कि प्रतिरोध किसे कहते हैं ठीक है चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर होता है बच्चों ठीक है बच्चे इसको भी अगर करते हो तो आपको जिससे भी आपका क्या एग्जाम में आपको पाँच नंबर से मिल जाएगा ठीक है जिसको भी जरूर क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में ठीक है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझिए रहा क्या कि दिए गए चित्र में लवन का के बिलियन की चलकता का प्रयोग दिखाया गया सो ठीक है जिसका एक दो तीन चार पाँच बच्चों नाम आपका पाँच छोटे नाम लगा लिखते हैं ठीक है जिस तरह का चित्रात्मक प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम में से पूछेगा पूछेगा सो ठीक पाँच नव दोस्तों की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझिए बोला क्या कि संतुप्त एवं असंतुप्त हाइड्रोजन के बीच पांच अंतर आपको लिखना तो है ठीक है तो इससे आपको एग्जाम में पाँच नौ से मिल जाएगा ठीक है दोस्तों क्वेश्चन क्या समझिए कि बोला क्या कि चालक अचालक अर्धचालक और अतिचालक के उदाहरण सहित समझाइए दोस्तों ठीक है बच्चे इसको समझाते हैं तो आपको एग्जाम में से इससे क्या होगा आपको चार नंबर से मिल जाएगा ठीक है दोस्तों लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझिए ज्वासमी ईंधन किसे कहते हैं बच्चों ठीक है ज्वास ईंधन किसे कहते हैं तथा ज्वासमी ईंधन की क्या हानिया वस्तु हैं ठीक बच्चों भी एग्जाम सबको चार नौ से मिल जाएगा ठीक है दोस्तों ये तो आगे क्या बोला समझिए और कि धातु एवं अधातु के दो भौतिक तथा दो रासायनिक गुणों के में अंतर लिखे ठीक है बच्चों जिसका पहले आपका हो गया कि आपका एन एस सी एल और एम जी सी एल टू के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख बनाइए दोस्तों ठीक है आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु का आरेख दोस्तों खींचने के लिए भी दोनों दोस्तों एग्जाम में आप कर लीजिएगा दोनों क्वेश्चन आपको पूछेगा तो चर्चा नंबर का ठीक है तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझिए दोस्तों बोरा कि पांच सेंटीमीटर लंबा कोई बीम दस सेंटीमीटर फोकस दूरी के बीच अब सारे लेंस से पच्चीस सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है सो ठीक है प्रकाश किरण अरे खिंचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति का सहायता तथा प्रकृति ज्ञात करें सो ठीक है बच्चों ये भी एग्जाम में तो पाइन के एग्जाम में तो पूछेगा ठीक है दोस्तों देखिए नेक्स्ट बोरा क्या कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए कि स्थान पर विद्युत युक्तियों को पाश्व क्रम में बैटरी के संयोजन करने के लिए क्या लाभ दोस्तों है ठीक है तथा दो ओम तीन ओम तथा छः ओम के तीन प्रतिरोधों के बीच प्रकाश किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध बच्चों आपका हो जाएगा एगारो ओम ठीक है बिन ओ सब का है एक ओम दोस्तों ठीक है यानी बच्चों इसको किस तरह हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे फिर इनकी दोस्तों ठीक है आप पाँच सौ क्रम दोस्तों ताकि मेरा क्या हो जाएगा कि ग्यारह ओम मिलना चाहिए बच्चों दूसरा मिलना चाहिए आपको एक ओम से होना चाहिए बच्चों ये भी इस क्वेश्चन आपको एग्जाम इस तरह से पूछ देगा ठीक है जब फाइनल एग्जाम पक्का पूछेगा ही पूछे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझिए क्या कि देगा चित्र में लवन की बिलियन के चलकता का प्रयोग किया गया है ठीक है तो सभी का इसमें क्या करना आपको नाम से लिखना आपको ठीक है पांचों का नाम से लिखता है आपका फाइनल तो से इससे भी आपका मिल जाएगा ठीक एग्जाम में तो इसको आप जरूर से कर लीजिएगा ठीक है दोस्तों के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझिए निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र को लिखना ठीक है बच्चों जैसे एक नंबर क्या आपका है साधारण नमो क्वेश्चन ठीक है बी नंबर आपका जल दोस्तों हो गया सी नंबर आपका धोने वाला सोलह सौ ठीक है डी नंबर आपका बैंकिंग सोलह सौ हो गया ठीक है यानी चारों सौ लिख दीजिएगा एग्जाम उसको तो मिल जाएगा नंबर ठीक है दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए मैं वो छाटा दोस्तों आपका ठीक है ये क्वेश्चन बहुत दोस्तों है कि दीघ दृष्टि दोष किसे कहते हैं बच्चों ठीक है इसे दूर करने के लिए किस किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है ठीक किस प्रकार के लेंस बच्चों किया जाता है ठीक है इसको भी आप दो नोट डाउन से कर लीजिए कॉपी में जिस भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दोस्तों बहुत है ठीक है दूसरे क्या आपका इंस्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका दोस्तों है कि ओम का नियम बच्चों बताते हैं पहले भी ठीक है ओम का नियम क्वेश्चन क्वेश्चन आपका चार तरफ से पूछ सकता है कि इस तरह तीन तरफ तो ठीक है कि आपका पहले पूछेगा कि ओम का नियम का लिखें और इसका सत्यापन दोस्तों को करना ठीक है समझेगा ना दूसरा को पूछेगा दोस्तों किसी परिपथ के दो सिरों के बीच कभीवांतर भी है परिपथ में आर प्रतिरोध जोड़ा गया है ठीक है दोस्तों यदि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान आई है तो इन परिराशियों के बीच संबंध लिखे दोस्तों ठीक है या संबंध किस पर नियम पर आधारित है दोस्तों ठीक है संबंधित नियम का सत्यापन दोस्तों करना आपको ठीक है जो एग्जाम में आपका ए भी एग्जाम में सब फाइनल का पूछ इस तरह सारे क्वेश्चन आपका करेगा ओम से आपको तीन क्वेश्चन मुझे तो बन सकता है तीन तरह से तो ठीक है तो तीन तरह से तो कोई भी क्वेश्चन उठा तो के सबको पूछ देगा ठीक है तो तीनों क्वेश्चन का क्षेत्र नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए ठीक है तीनों का आंसर भी आपका तो सेम है लेकिन मुझे क्या करना कि आपको क्वेश्चन अलग अलग दिया है ठीक है अलग टाइप से तो कर लीजिए आप लोग ठीक है आप ना बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर से कमेंट करना ना भूलिएगा सो ठीक है जय हिंद जय भरा वंदे मातरम सो ठीक है चलिए